यही पार्सल बचा हुआ है, फटाफट से अपनी गाड़ी में रखते हैं इसको और निकलते हैं चांदीवली। सो गाइस, मैं दादर में पहुंच गया हूँ और ड्रॉप लोकेशन मेरा यही है। ट्रिप को भी मैं एंड करता हूँ, देखते हैं कितना एक्स्ट्रा बड़ा है, बिकॉज हम लोग भांडुक भिंडुक का भी ऑर्डर मारते हुए आए थे। कस्टमर ने मुझे कॉल करके बोला मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लेके चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसने कैंसिल कर दिया, मैं आ गया इधर पे, पार्सल भी ले लिया हूँ, आपको बता देता हूँ। सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं FTC चैनल। आज है सैटरडे का दिन और मुझे फर्स्ट ट्रिप लग भी गई है, मैं फील्ड पे भी निकल गया हूँ। बट कस्टमर ने जो ऑर्डर किया था 350 रुपये की ट्रिप थी, यहाँ से मुझे भिवंडी लेके जाना था, बट कस्टमर ने मुझे कॉल करके बोला मैं कैंसिल कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट लेके चले जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। उसने कैंसिल कर दिया, मैं आ गया इधर पे, पार्सल भी ले लिया हूँ, आपको बता देता हूँ। सो गाइस, ये पार्सल है, ये छोटा सा कार्टून है, इसको लेके जाना है अपने को भिवंडी, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट जो है 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 30 किलोमीटर का कस्टमर ने मुझे 500 रुपया दिया है, 150 रुपया एक्स्ट्रा इस रीज़न की वजह से दिया है, बिकॉज उसका एक इनवॉइस है, वो साइन करके इसको रिटर्न ला के देना है, उसके लिए मुझे कस्टमर ने 150 रुपया एक्स्ट्रा दिया है। उसी के साथ मैं सोच रहा हूँ कोई एक रिफाइल भी उठा लूँ भिवंडी के आसपास का, कहीं का मिलेगा तो उठा लूँगा, नहीं मिलेगा तो लेके निकल जाएंगे हम लोग इसको। सो गाइस, अभी मैं भिवंडी में पहुँच गया हूँ, ये नायका जो गाला है वहाँ पर अपने को पार्सल देना है, ये वाला। सो फटाफट देते हैं गाले में पार्सल अपना और उसके बाद यहाँ से देखते हैं, जो भी ट्रिप आएगी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, अभी अपना जो पार्सल था वो जस्ट मैंने डिलीवर किया हूँ और शटर भी डाउन हो गया है, खाना खाने का उनका टाइम हो गया है। सो अपना पार्सल जो है वो तो मैंने डिलीवर कर दिया हूँ, कस्टमर को भी मैंने इन्फॉर्म कर दिया। तो कस्टमर क्या बोलता है कि ये जो पार्सल है, मतलब ये जो पार्सल बोल रहा हूँ, इसका जो इनवॉइस है वो ला के देगा जब तेरे को पेमेंट करूँगा। मैंने बोला ऐसा नहीं होता सर, आप पेमेंट करो, मैं आजकल में कभी भी आऊँगा उधर तो आपको ये इनवॉइस दे दूँगा। उनको भी काम रहता है भाई, पेट्रोल का पैसा लगता है, हर चीज़ लगता है, आगे पीछे देखना पड़ता है। तो कस्टमर बोला ठीक है चलो पेमेंट करता हूँ, तो वो पेमेंट कर रहा है। जैसे ही पेमेंट करता है, हम लोग यहाँ से ऑनलाइन होते हैं पोर्टल में और देखते हैं जो भी ट्रिप आएगी मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस, कस्टमर ने पेमेंट भेज दिया है और भिवंडी से मुझे डोंबिवली का ऑर्डर आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए गाइस। सो गाइस, डोंबिवली का ऑर्डर आ रहा है भिवंडी से, अब मैं डोंबिवली जाके क्या करूँ गाइस? मैं सोच रहा हूँ हमारे नियर बाय कोई ऑर्डर मिल जाए अपने को भिवंडी से, थाने भी मिलेगा चलेगा, या तो फिर कुरला हो गया, साकीनाका हो गया, पवई हो गया, चांदीवली हो गई, मरोल हो गया, कोई भी लोकेशन पे चले जाऊँगा अपने घर के नियर बाय, मतलब बैंड्रा दादर विदर रहेगा वो भी चलेगा। बिकॉज यहाँ से निकलूँ मैं, ये जो एरिया है बहुत गांव टाइप में है, एकदम अलग एरिया है, बहुत लंबा आ गया हूँ मैं। आपको एक बार सीनरियो बता देता हूँ यहाँ का, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस, ऐसा लग रहा है मुझे मैं कोई गांव में आ गया हूँ। ये भिवंडी का एरिया है, जैसे कि वहाँ बच्चे लोग भी खेल रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे थोड़ा छाँव है और हवा भी अच्छी चल रही है, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है, एकदम ठंडा ठंडा, कूल कूल, गर्मी भी नहीं है, धूप भी नहीं है, मौसम भी क्लियर है एकदम। तो 5-10 मिनट यहाँ पे बैठ के वेट करते हैं गाइस और अपने नियर बाय आने का ऑर्डर आने का वेट करते हैं, ठीक है? जो भी ऑर्डर आएगा मैं आपको बताता हूँ। ये ट्रिप का अपने को 500 रुपया मिल गया है, इसका इनवॉइस हम लोग दे देंगे आजकल में कभी भी वो साइड में जाएंगे। तो गाइस, टाइम हो रहा है 2:30 बज गया है और पोर्टर में कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, हल्ता वल्ता ऑर्डर आ रहा है आजू बाजू का। तो जस्ट मैंने एक वीफास्ट उठा लिया हूँ, 177 रुपये का है, जो कि पिकअप लोकेशन यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है और इसका ड्रॉप जो है वो भांडुप है। सो हम लोग इसको उठा लिए, अब यहाँ से पिकअप लोकेशन भी मैं आपको बता देता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है, 3.5 किलोमीटर की दूरी दिखा रहा है। फटाफट चलते हैं गाइस और करते हैं इस ट्रिप को फटफट पिकअप। सो गाइस, अभी मैं फ़िलहाल भिवंडी में हूँ और मैंने 2 पार्सल उठाया हूँ, ये जो है वी फास्ट का पार्सल है और ये जो है पोटर का पार्सल है। इसको देना है अपने को भांडुप में और इसको देना है अपने को दादर में। एक बार मैं आपको दोनों भी मेरा ऑर्डर बता देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो गाइस, 450 रुपये का ऑर्डर है और यही ऑर्डर है, इसको देना है अपने को दादर में, और जो ये वाला ऑर्डर है इसको देना है अपने को भांडुप में, जैसे कि आप देख सकते हो। तो पहले हम लोग ये वाला ऑर्डर देंगे 177 का, उसके बाद में ये दादर वाला ऑर्डर देंगे। सो गाइस, वी फास्ट का ऑर्डर जो है वो देने का टाइम आ गया है, यहाँ पर जाना है 2nd फ्लोर पर, 2021 में देके मैं फटाफट आता हूँ, फिर उसके बाद में ये वाला पार्सल दादर लेके जाएंगे। वी फास्ट का जो पार्सल था वो जस्ट मैंने डिलीवर कर दिया हूँ, फटफट चलते हैं अभी गाड़ी निकालते हैं और पोटर का ऑर्डर जो है दादर वो ड्रॉप करके आते हैं।
तो गाइस मैं दादर में पहुंच गया हूँ और ड्रॉप लोकेशन मेरा यही है। ट्रिप को भी मैं एंड करता हूँ, देखते कितना एक्स्ट्रा बड़ा है, बिकॉज हम लोग भांडुक भिंडुक का भी ऑर्डर मारते हुए आए थे, तो एक बार देख लेता हूँ। अगर गाइस अच्छी बात है कि कुछ पैसा बड़ा नहीं है, फटाफट ये वाला पार्सल देते और निकल। तो गाइस टाइम हो गया है, 5:30 बज गया है और पोर्टर में कोई ऑर्डर आ नहीं रहा है बराबर, और फिलहाल मैं दादर में हूँ। अपना जो भिवंडी से दादर वाला पार्सल है वो डिलीवर करने के बाद में मैंने ये पिकअप किया हूँ, जो कि माहिम से नहर अमृत शक्ति, मतलब हमारे घर के बाजू का ऑर्डर है, तो मैंने इसको उठा लिया होगा। ज़्यादा नहीं है, 126 का है। अगर पोर्टर का बीच में आता है तो मैं पोर्टर का भी ऑर्डर उठा लूँगा। फिलहाल चलते हैं और पिकअप करते हैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है इसका पिकअप। सो गाइस 139 का जो अपना ये ऑर्डर है दादर से खार का, वो मैंने पिकअप कर लिया हूँ। अभी इसको लेके जाना है फटाफट से खार, और एक और मेरा पार्सल है जो कि ये वाला है, इसको भी पिकअप करना है। फटाफट चलते हैं गाइस और इसको भी करते हैं पिकअप, जो कि यहाँ से ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की दूरी। सो गाइस अभी मैं माहिम में हूँ और ब्रेकफास्ट का जो ऑर्डर है अपना, जो अपने एरिया का है, वो पिकअप करने का टाइम आ गया है। फटाफट जा रहा हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे, वहाँ से अपना पिकअप है। फटाफट मैं लेके आता हूँ सामान और फिर बताता हूँ आपको क्या है सामान। सो गाइस अभी मैंने पार्सल उठा लिया, वो थैली है, इसके अंदर शायद कुछ कॉपी है, बुक्स है, उसको लेके जाना है अपने को चांदी वाली, मतलब अपने घर के बाजू का ही ऑर्डर है। सो फटाफट पहले अभी चलते हैं खार, जो अपना पोर्टर का जो ऑर्डर है वो दे देंगे, और फिर उसके बाद में ये जो ऑर्डर है इसको दे देंगे। चलते फटाफट खार और पोर्टर का ऑर्डर कम्प्लीट करते पहले। सो गाइज अभी मैं खार में हूँ और अपना जो पोर्टर का जो पार्सल है वो दे के मैं फटाफट आपसे मिलता हूँ। पोर्टर का ऑर्डर देने के बाद भी मेरे पास 2 ऑर्डर बचा है, ये एक पहले का ऑर्डर है, ये एक बाद में एक और मैंने बैंड्रा से पिकअप किया था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये जो ऊपर वाला 126 का है वो नीचे का ऑर्डर है, उसको नहर अमृत शक्ति देना है, और जो 118 का है वो भी साकिना का है, ये वाला, तो इसको साकिना का दे देंगे। फटाफट चलते गाइस, और इस बीच में अगर कोई पोर्टर बचता है तो हम लोग उठाएंगे, अदरवाइज निकल जाए। तो गाइस अभी मैं जरी मरी में हूँ और अपना जो पार्सल था, मतलब जो बैंड्रा से हम लोगों ने पिकअप किया था जूता, वो मैंने जस्ट डिलीवर कर दिया। अभी मेरे पास एक और पार्सल है, जो कि बुक्स हैं, जो थैली में रखी हुई है ना नीचे, बता देता हूँ नीचे जाने के बाद, उसको लेके जा रहे हैं अपने एरिया। फटाफट चलते हैं, ये लास्ट ऑर्डर है, उसके बाद निकल जाएंगे। अभी शो करता हूँ बाद में आपको, यही पार्सल बचा हुआ है, फटाफट से अपनी गाड़ी में रखते हैं इसको और निकलते हैं चांदीवली। तो गाइस अभी मैं चांदीवली में पहुँच गया हूँ, मेरे को 6th फ्लोर जाना है और ये पार्सल दे दूँगा, देने के बाद भी मैं आपको नीचे मिलता हूँ, उसके बाद में अपनी अर्निंग शो करता हूँ। सो गाइस अभी मैं अपना पार्सल देके आ गया हूँ नीचे, फटफट मैं आपको अपनी अर्निंग शो करता हूँ, उसके बाद में निकलते हैं हम लोग अपने घर के लिए, क्योंकि इसके पीछे साइड ही है मेरा घर। फटाफट अर्निंग शो कर देता हूँ। सो गाइस टाइम हो गया है, 8 बज गया है और हम लोग अपने घर के वहाँ पे आ गए, और पोर्टर में मैंने 2 ट्रिप मारा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस 459 रुपीज़ की ये 2 ट्रिप हुई है, 450 रुपये की 2 ट्रिप हुई है पोर्टर में, और वी फास्ट में मैंने 3 ट्रिप मारा हूँ, जो कि 421 रुपये का पेमेंट हुआ है, 126, 118 और 177, तो ये दोनों मिला के पोर्टर की अर्निंग, वी फास्ट की अर्निंग, और 500 रुपये। आप सोच रहे हो ये क्या है, 500 रुपये ये है जो स्टार्टिंग का जो ऑर्डर था, जो मैंने प्राइवेट लेके गया था भिवंडी, वो 500 रुपये का वो है, तो टोटल जो हो गया 1380 रुपया। तो आज का अपना अर्निंग है 1380 की। सो गाइस आज का भी दिन अपना अच्छा ही गया, 1380 रुपये की हम लोगों ने आज अर्निंग किया, और घर के आसपास में हम लोग आ भी गए। सो वीडियो को भी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो आपको कैसी लगी गाइस, अंगारफत आतंक मौज जहर जख्म जो भी लगे मेरा भाई, लाइक शेयर कमेंट करके बता देना। यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन रहेगा रेड कलर का, उसको भी दबा देना। फिर मिलेंगे ऐसी किसी बहुत डासी वीडियो के साथ ही, जब तक के लिए देखते रहिए FTC चैनल, और हाथ दुआ में याद रखना और मेरे जिक्र का जुबा पे स्वाद रखना, एंड ऑलवेज स्टे 1 नंबर।